हाय एवरीवन तो 8 जुलाई 2020 की इम्पॉटेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं हम द इंडियन एक्सप्रेस की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ आ जाई हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड की हुई है विद मैप्स तो यू शुड मस्ट वॉच द एंटायर डिस्कशन एंड आफ्टर दैट और बिफोर दैट यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओके तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर गलवन वैली सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो क्या है गलवन वैली से जो बहुत साइड्स हैं ऑफ़ ट्रूप्स कल चाइनीज़ साइड से ट्रूप्स हटे थे डेढ़ से दो किलोमीटर पीछे और इंडियन ट्रूप्स ने भी पुल बैक करना स्टार्ट कर दिया है हॉट स्प्रिंग सेक्टर से ठीक है तो कौन से तीन रीजन थे हो एक तो पी पी फोर्टीन पी पी क्या है पेट्रोलिंग पॉइंट फोर्टीन जो इन गलवन वैली दूसरा है पी पी फिफ्टीन एंड पी पी सेवनटीन ए ठीक है पी पी पेट्रोलियम पेंट सेवनटीन ए जो गोगरा वाला रीजन है इन लद्दाख तो वहाँ से ये हट गए और ये कौन से सेक्टर में आता है मैंने मतलब बार बार बताया है ये चीज़ कि जो जो भी एल ए सी है चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो तीन सेक्टर में डिवाइडेड है ठीक है तो वेस्टर्न सेक्टर मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर ईस्टर्न सेक्टर कौन सा वाला रीजन है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जहाँ पर नाकूला पास भी है सिक्किम के नॉर्दर्न सिक्किम में और मिडिल सेक्टर में आता है यू के में उत्तराखंड में क्या है जो मेन होती रीजन है वहाँ पर और वेस्टर्न सेक्टर में क्या आते हैं ये सारी चीजें आती है जो पेट्रोल पॉइंट जहां परेशन जो प्रोसेस है डिसंगेजमेंट ये हो रहा है तो डिस्पंग प्लेन्स ये पता होगा दो में यहाँ पे क्लैशेज हुए थे है ना दोनों के साइड में हॉट स्प्रिंग एरिया यहाँ से पीछे हटे हैं दो किलोमीटर दारबुक जो है दारबुक एक विलेज है और ये दारबुक यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी रोड है ठीक है दौलत बेग ओल्डी रोड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए ये लेह को काराकुरम पास से कनेक्ट करता है और यहाँ पे गलवन वैली है तो ये रीजन है और यहाँ पर ये सेटेलाइट इमेज से आपको देखने को मिल सकता है ये जून ट्वेंटी की इमेज है ये कुछ बंकरस और ये जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कुछ बिल्डअप्स हैं तो ये किए हुए अभी इस वाली इमेज में क्या देख रहे हैं रिसेंट कंस्ट्रक्शन डिसमेंटल्ड कर दिया गया है ठीक है बिल्कुल क्लियर है तो दोनों जो आफ्टर एस आर एम जो टॉक्स हुई एस आर एम लेवल की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म टॉक तो ये मतलब सक्सेसफुल हो रही है एक तरह से और दोनों ही पीछे हट रहे हैं ठीक है तो एस आर एम में कौन कौन थे वांग यी थे फॉरेन साइड जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और साथ में स्टेट काउंसलर हैं तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ये चाइना की साइड से रहे और हमारी साइड से कौन एन एस ए जो फॉरेन मिनिस्टर के ही इक्वलेंट होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजी डोवाल ठीक है Advisor, तो इनके बीच में ये बातचीत हुई आफ्टर एन एच आर सी हाईकोर्ट वर्क बिगेंस एट ब्रिंग मील्स टू किड्स ठीक है तो ये यहाँ पे जो कल आर्टिकल्स आया था इंडियन एक्सप्रेस में तो उसके बाद से हाईकोर्ट ने भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको मिड डे मील जो है स्टार्ट कर दिया था ठीक है ऑर्डर ऑन मिड डे मील पेरेंट्स ऑफ एटलीस्ट थ्री चिल्ड्रन फ्रॉम बाबी सॉरी बाडी विला हुटडी इन द स्कूल्स वर वेटिंग आउटसाइड फॉर डिटेल्स विद न्यूज़ इन द एयर दैट स्टूडेंट्स विल भी प्रोवाइडेड राशन मिड डे मील्स ठीक है तो उनको तीन महीने तक मिलेगा और बैंक अकाउंट में उनके पैसे भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो ये चीज़ हुई है और ये क्या है मोसाहारी टोला ठीक है तो बाब डीला बाब बाडीला विलेज में वर पुस्ट टू रैक पिकिंग मतलब ये रैक पिकिंग वगैरह करके उसके बाद इनको खाना ना नहीं मिलता था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई थी तो सब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं यूएस टेल्स फॉरन स्टूडेंट्स विद ऑनलाइन क्लासेस टू गो यूनिवर्सिटी लुक एट ऑप्शंस तो यहाँ पे जो न्यूज़ है ये इमीग्रेशन यूएस की जो एजेंसी है इमीग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी तो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टिव दिए हैं कि दे वॉन्ट बी अलाउड टू स्टे इन द कंट्री इफ़ देअर ऑल क्लासेज आर मूविंग एंटायरली ऑनलाइन किसको जो फॉरन स्टूडेंट होंगे वो उनको मतलब अगर उनके एंटायरली पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेज होती हैं तो उनको वहाँ पे अपने देश में वापस जाना पड़ेगा एंड एनी पर्सन एंटरिंग द यू एस और स्टेइंग देयर इन वायलेशन ऑफ दिस कैन पोटेंशली बी डिपोर्टेड ठीक है तो यहाँ पे क्या है जो आई सी स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है इन्होंने अलाउड किया था फॉरन स्टूडेंट्स को टू स्टे टू फिनिश देयर स्प्रिंग एंड समर कोर्सेज ऑनलाइन लेकिन अभी ये इशू जो है कोविड नाइन्टीन जो पैंडेमिक है उसके बाद से भी ये स्टार्ट हो गए और ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें ठीक है बाकी अभी ये भी रिसेंट में बताऊगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि इकतीस दिसंबर के लिए मतलब ये कर दिया था कि जो भी वीज़ा नहीं मिलेगा ठीक फौर्न, है जो फॉरन फॉरनर्स जो वर्कर्स हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा तो ये है बाकी एक पूरा इसमें आर्टिकल है तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रैकिंग इंडिया कोविड कर तो सात लाख से ज़्यादा केसेस हो गए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली तेलंगाना हरियाणा और हमने वो भी पढ़ा था कि जो केस लोड है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ केस लोड है वो क्या के जो इंडिया के सदर्न स्टेट हैं ठीक है ठीके? तो वो कौन कौन से पांच स्टेट हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरला एंड कर्नाटक तो ये भी बताना चाहिए नेक्स्ट एक ये न्यूज़ है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में तो इंडिया यूएस ने जो वर्ल्ड ऑर्डर पे जो थ्रेट है तो उसको लेके बातचीत की एंड एग्री टू कंसल्ट ठीक है तो यहाँ पे जैसे जो काटसा है यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट तो उसके बारे में बात की कि रशिया से मतलब हम ज़्यादा जितने भी जो मिलिट्री uh, इक्विपमेंट्स है वो डिफेंस परचेजेस है वो ना करें है ना ये सब भी बोला गया है और बाकी के जो चाइनीज़ जो है मिलिट्री थ्रेट हो रही है सारी कंट्रीज़ को इंडिया को मलेशिया को इंडोनेशिया को फिलीपींस को तो ये भी बोला है कि मतलब uh, हम मेक श्योर sure करेंगे यूएसए ने कि सही से हमारी फोर्सेज का क्या हो डिप्लॉयमेंट हो पोस्चर्ड अप्रोप्रिएटली है ना और दूसरी चीज़ ये कि पोम्पियो ट्यूजडे सेट दैट यू एस इज़ सर्टनली लुकिंग एट बैनिंग चाइनीज़ सोशल मीडिया एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, तो ये भी है टिकटॉक वगैरह भी बैन कर रहे हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं कोवैक्सिन ट्रायल तो कोवैक्सिन का बस वो पता होना चाहिए कि ट्रायल्स बारह जो हॉस्पिटल है वो चूज़ किए गए हैं और किसने इसको बनाया है भारत बायोटेक्स ठीक है भारत बायोटेक्स जो है हैदराबाद बेस्ड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है हैदराबाद बेस्ड है किसके साथ मिल ये ट्रायल कर रहे आई सी एम आर के साथ मिल के और जो पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एन आई वी के साथ मिलकर कर रहे हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे है परमानेंट आर्मी कमीशन फॉर वोमेन तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कुछ और मंथ का नोटिस दिया है टाइम दिया है कि आप इस पर कुछ मतलब फाइनल कंक्लूजन निकालें आ, कमांड पोस्ट फॉर वुमेन इन नॉन कम्बैक्ट एरियाज इन द आर्मी ठीक है तो यही इसमें था नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखते हैं तो ये नागालैंडस में एक चज़ामी विलेज है तो इसको ये कॉरंटीन सेंटर इसको कोविड क्वारंटीन सेंटर की जगह पे क्या बोला जा रहा है कोविड नाइन्टीन क्रिएटिव हब शिज़ामी ठीक है तो कोविड नाइन्टीन क्रिएटिव हब यहाँ पे जो कोविड नाइन्टीन के जो आइसोलेशन में रखा गया है लोगों को जो भी दूसरे स्टेट से जा रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं वो आ, कुछ पोइट्री वगैरह लिख रहे हैं या फिर उनको गार्डनिंग भी अलाउ है आस जो उनकी हट है उससे बाहर के फेमस में वो कर सकते हैं ये सब चीज़ें हैं तो क्रिएटिविटी बिल्डअप हो रही है उनसे ठीक है तो ये है कोहिमा और दिमापुर इन पहले तो सबसे पहले क्या आ रहा है जो भी आ रहे हैं वहाँ पे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो रहा है फोर्टीन डेज का देन जो अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो अनदर फोर्टीन डेज उनको रहना पड़ रहा है ठीक है तो जो विलेज काउंसिल है नागालैंड की उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और ये क्या बोल रहे हैं इसको कोविड नाइन्टीन क्रिएटिविटी हब नेक्स्ट जो न्यूज़ है लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्कंट्रोल ठीक है डी कंट्रोल सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल डी कंट्रोल तो यहाँ पे और एक और जो आर्टिकल था यहाँ पे दोनों ही हम एक साथ ही पढ़ लेंगे द दिटी इन चाइना इट स्टेम्स फ्रॉम दी पी सी इन सिक्योरिटी तो दोनों आर्टिकल में मतलब चाइना के बारे में लिखा हुआ है कि चाइना को अभी क्या क्या टेंशन्स हैं क्या क्या एनेग्जाइटी एंड एन नक्षस इतना क्यों है वो और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मतलब क्या हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि हमारे ये आर्टिकल पहले किसने लिखा है पी वैद्यनाथन अय्यर ठीक है पी वैद्यनाथन अय्यर ने ये आर्टिकल लिखा है और इन्होंने ये लिखा है कि एक सीरीज़ ऑफ मतलब जो फ्लरी ऑफ डिसीजंस हैं जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया चाइनीज़ एप्स को फिफ्टी नाइन ऐप्स को क्या किया बैन कर दिया इंडिया में उसके बाद जो भी कंपनीज़ uh, uh, जो रोड वग़ैरह बना रही थी तो रोड प्रोजेक्ट्स के लिए चाइनीज़ uh, इन्वेस्टमेंट ना नहीं होने चाहिए तो उसको भी हमने uh, बंद कर दिया दूसरी चीज़ था जो हमारे पावर इक्विपमेंट्स हैं ठीक है थीके? तो हमने एक इम्पोर्ट uh, करना बंद कर दिया चाइना से और जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं तो वहाँ पे भी हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहते हैं दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे जो हम जैसे पोर्ट हैं जो हमारे वहाँ पे पोर्ट कंसाइनमेंट्स जो थे वो भी हमने ब्लॉक कर दिए तो हमारी इंटेंशन क्या है अभी द इंटेंशन इज टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस दैट बीजिंग विल हैव टू एन एन इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर सच मिस एडवेंचर ठीक है तो हम भी मतलब उसको इकोनॉमिकली थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं हमने ये चीज़ सोचा है बट सच सेंक्शंस बाय इंडिया लोन लेकिन अगर हम हम करते हैं केवल अकेले के ये सैक्शन लगाते हैं तो ये चाइना का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे विच हैज़ रिस्पॉन्डेड इन गुड मेजर्स टू प्यूनिटिव ट्रेड एक्शन बाई द यू ठीक है तो मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए या फिर फिर ब्रॉडेंड किया जाना चाहिए कि हम जो ये सारी जो पावर्स हैं जैसे यू है क्वाड ग्रुप में आपको पता है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली चाइना के अपोज में दिए हैं है ना स्टेटमेंट्स और क्वाड ग्रुप में और जापान आता है और या फिर यू एस ए तो ये सब के साथ साथ जैसे यू के भी है तो इन सब को मिल के एक साथ आना होगा और तभी हम जो चाइना की जो प्रॉब्लम है इसको सुलझा सकते हैं बाकी के इसमें एडम स्मिथ आपको पता है एक रिनो रिनाउंड इकनॉमिक्स थे तो उनकी एक बुक थी ठीक है एडम स्मिथ की क्या बुक थी एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन तो इसमें मतलब उन्होंने मेन किस पे क्या किया था लोगों के कल्याण वेलफेयर के लिए बात की थी कि लोगों को क्या होना चाहिए आ, ये इस बुक में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कि वेलफेयर होना चाहिए लोगों का और डिफेंडिंग इंग्लैंड ह्यूजली डिस्क्रिमिनेटरी नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 फिफ्टी वन विच रिक्वायर्ड कार्गो फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी मतलब इसका जो ये जो एक्ट था सोलह सौ इक्यावन का इसमें जो ब्रिटिश शिप्स थी उसमें केवल ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए केवल ब्रिटिश शिप्स ही आएंगी तो ये सारी चीज़ें थी और यहाँ पे ये बोला गया इन सिंपल वर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी टेक्स प्रेसिडेंस मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसकी जगह पर जो uh, इकोनॉमिक uh, जो हमारे सेंक्शन वगैरह लगा रहे हैं उससे ज़्यादा ठीक है एंड फॉर इंडिया डिफेंस एंड वेलफेयर हैव ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड वन अनदर तो नाइनटीन नाइनटी से नाइनटीन नाइन्टी वन में जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो हमने आइडियोलॉजिकल जो बर्डन था और हमने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पास लिया था रिफॉर्म्स का ग्रोथ थ्रो ओपननेस टू ट्रेड हैज़ रिमेंड एन अनस्टेटेड नॉन नॉन ऑफ नैशनल सिक्योरिटी ठीक है तो यही uh, चीज़ें इसमें बोली गई और हमें जो इन चाइना के साथ जो ट्रेड बैरियर्स हैं तो इससे अलग हट के कुछ सोचना चाहिए ट्रेड बैरियर्स क्योंकि बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको पता है सेवेंटी टू एट्टी परसेंट जो एपीआई है एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तो हम वो चाइना से ही करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ठीक है और इवन हंड्रेड परसेंट करते हैं किसमें जैसे जो पैरासिटामोल जो टैबलेट्स हैं उसमें तो चाइना पे तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो ट्रेड बैरियर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है हमें कुछ और सोचना होगा या तो जो ये क्वाड ग्रुप के साथ साथ जो अन्य जो महाशक्तियाँ हैं पावर हैं तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं कोलेशन बना सकते हैं और फिर ये हम इसका मतलब चाइना को क्या कर सकते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं तो यही इसमें था देन दिन एनेक्जिटी इन चाइना तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये जैबिन टी जैक को अपने डिस्कस किया गया ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस स्टडी तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोला कि मतलब चाइना की टेंशन के बारे में जान के हम क्या करेंगे ये काफ़ी स्ट्रेंज हो सकता है लेकिन चाइना ने काफ़ी बहुत सही किया है बिकॉज चाइना हैज़ हैंडल द कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक बहुत सारी कंट्रीज से उन्होंने अच्छे तरीके से कोविड नाइन्टीन का जो आउटब्रेक है उसको कंट्रोल कर लिया है दूसरी बात यह कि उन्होंने जैसे ही वहाँ पर उनके बीजिंग और शंघाई में लॉकडाउन हुआ था तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री थी और जो ग्लोबल पब्लिक डिप्लोमेसी थी तो उसको भी क्विकली स्टार्ट कर दिया था और पूरी दुनिया में फिर क्या किया टेस्टिंग किट्स मतलब अपना निपट गए पूरे पैंडमिक से फिर टेस्टिंग किट्स और जो प्रोटेक्टिव गेयर थे वो दूसरे सप्लाई दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई करने लगे इसमें उन्होंने इंडिया को भी किए फिर यूएसए को भी किए ऑफर है ना जो उनके राइवल माने जाते हैं तो वहीं दूसरी और क्या है जो चाइनीज़ टेरिटोरियल असर्टिवनेस है तो वो भी कंटिन्यू उन्होंने रखी है ठीक है जैसे कि जो ईस्ट एंड साउथ चाइना सी है और एल पे वो क्लेम कर रहे हैं बार बार तो बाकी देश मतलब जहाँ पे अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के जो उससे उभरने के जो चैलेंजेस हैं उसमें लगे हुए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी या फिर पॉलिटिकल फॉल फा, आउट है ठीक है तो ये सब चीज़ों में फंसे हुए हैं लेकिन चाइना का जो एग्रेशन है और फिर भी जो उसकी अनकशसनेस है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ रही है सबसे मेन तो यहाँ पे यही बोला गया है जो सी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट गवर्नस डेम इवन मोर सो अनकशियस दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट ब्लेम चाइना फॉर नोवल करोना वायरस आउटब्रेक इन वन चाइनीज सिटी टर्निंग इट अ ग्लोबल पेंडेमिक ठीक है तो ये बोला जा रहा है कि मतलब सारी जो देश है वो चाइना पे ही मतलब ऐसे ब्लेम ना करें जो करोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है दूसरा चीज़ ये कि जो स्मॉलर नेबरर्स हैं जैसे जो साउथ ईस्ट एशिया में फ़िलिपेंस में और ये सब है आ... तो इनको क्या है ये भी मतलब कहीं ना कहीं से चाइना को थ्रीटेन कर रहे हैं उनकी सॉनिटी और सिक्योरिटी को बाई क्लेमिंग फ़ीचर्स दैट आर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द चाइनीज़ कोस्ट ठीक है तो ये इस वजह से ये चिंता में है दूसरी तीसरी जो चिंता इनको किस चीज़ की है जो इनके पड़ोसी हैं लाइक जापान एंड साउथ कोरिया डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लिंकेजेस तो जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ चाइना के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं रिलेशनस हैं लेकिन फिर भी इन देशों ने क्या किया हुआ है यूएस के साथ अपनी सिक्योरिटी की गारंटी के लिए मिलिट्री अलाइंसेस ये बनाए हुए हैं ठीक है चौथी जो इनकी चिंता है वो क्या है कि इंडिया को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ठीक है हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है चाइना की भी है लेकिन फिर भी हमने चाइना की जो बीआरआई है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको टर्न डाउन कर दिया सीधे सीधे हमने मना कर दिया था पांचवी चिंता चिंता तिंता जो इनकी जो चिंता है सॉरी लिटरली सॉरी फॉर दिस तो uh, वो क्या है सेकेंड जो मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी uh, होने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में चाइना जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स को मतलब लेके बहुत ज़्यादा एनोक्शस है फिर एनक्शस क्यों है क्योंकि जो टेररिज्म है आपको पता है उन्होंने उही जो मुस्लिम्स हैं ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं लेकिन उनको चाइना का ये कहना है कि उन्होंने उनको री uh, एजुकेशन जो सेंटर है वहाँ पर रखा हुआ है जबकि वो है किस में uh, आ, वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में रखा गया काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन उनका हो रहा है लेकिन चाइना का कहना है कि वो क्या है एक मतलब टेररिज्म के रूप में बाहर आ सकते हैं माइनॉरिटी में वो है वहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है तो उसके लिए उन्होंने एनशियन जो मोनिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा जला दी है ठीक है एनशियट मोनिस्ट्री को बर्न डाउन कर दिया था उन्होंने जला दिया था और इस वजह से अभी उनको जो कम्पेयर किया इस चीज़ ने कि जो बुद्धिज़म है तो उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज भी वो कर रहे हैं फिर फिफ्टीन जून को जो क्या हुआ था गलव वन क्लैशेज़ हुआ था 15 जून को जिसमें दोनों साइड के जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए थे लेकिन चाइना ने अपनी साइड के जो डाटा था उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो चाइना मतलब ये करना चाहता है कि आ, जो भी उनकी आर्मी का जो मतलब आ, आ, जो एक्नोलिजमेंट मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं मिलता है तो ये केवल मतलब क्या अपनी पावर में बने रहना चाहते हैं और कोई भी डाटा जो एक्यूरेसी रिपोर्ट है वो उसको रिपोर्ट नहीं करते और वर्ल्फ वेरियर डिप्लोमेसी हमने बताया था कि मतलब अगर ये अपना खुद से कहीं पे जीत जाते तो उसको बहुत ज़्यादा एक्जैक्टेट करेंगे अपनी विक्ट्री को ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो ये सारी चीज़ें चाइना के द्वारा की जा रही हैं तो यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि इट इज़ एन एनेक्जी दैट स्प्रेड एज क्विकली एज अ वायरस एंड दिस probably harder to get rid of and exit of China's uh, characteristic that other countries around the world must be careful not to catch ठीक है तो ये है then virus and the lockdown तो ये इसमें वही वाली बात author ने बोली है कि वही मतलब पछताए होते जब चिड़िया चुप गई खेत है ना कि लॉकडाउन इतनी जल्दी क्यों किया और बिना किसी वार्निंग के कर दिया ऐसा होना नहीं चाहिए था तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ्रीका है साउथ अफ्रीका तो ये भी सीवियर लॉकडाउन से गई थी इंडिया का भी वन ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था इन द वर्ल्ड लेकिन फिर भी हमने मतलब उसका फ़ायदा नहीं उठाया क्यों क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने तो वहाँ पर तुरंत लॉकडाउन के टाइम पर अपने जो अनाउंसमेंट किए थे मैसिव स्टेप लिए थे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को बिल्डअप करने के लिए जो टेस्टिंग सेंटर्स थे उसको दिया था लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं हुई एंड इन मोस्ट कंट्रीज आफ्टर द लॉकडाउन अनाउंसमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको थोड़ा सा रखा गया था खुला ठीक है मिनिमल मिनिमल केप्ट ओपन एंड जो लोग थे वो अपने घर वर तो एटलीस्ट आ जा सकते थे लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था तो यही चीज बोला गया कि एट द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट विद अ फोर आर नोटिस देर वॉज नेचुरल एक्सपेक्टेशन दैट द गवर्नमेंट हैड प्लान्स ऑफ हाउ टू हैंडल सडन स्टॉपेज ऑफ वर्क एंड मोमेंट ऑफ पीपल एंड दे ब्रेक इन सप्लाई चेन बट देर वॉज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफ दिस एनशलरी एक्शंस तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं ली गई और हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं उसके चक्कर में और यही है कि ये मतलब क्या करता है डबल शॉक है क्योंकि इंडिया की जो इकनॉमी है वो भी पहले से स्लो डाउन में थी अभी और ज़्यादा हो गई है पैंडमिक भी जो है तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल था यहाँ पे एंड ऑफ अ ड्रीम तो ये जो कुवैत से जो इंडियंस को बोला गया है और जो बाकी के फॉरेन नेशनल्स हैं कि वो उनकी जो फिफ्टीन परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए तो इसमें आठ लाख जो इंडिया हैं इंडियंस हैं वो क्या है कुवैत को छोड़ के भारत आ सकते हैं एंड uh, ये मतलब क्या कर रहे हैं ड्राफ्ट बिल उन्होंने पास किया है नेशनल असम्बली ने प्रपोज किया है द पॉसिबिलिटी ऑफ माइग्रेंट एक्सडस्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया इज़ नॉट न्यू ये पहले भी होता रहा है जैसे अगर हम वेस्ट एशिया से सऊदी अरबिया की बात करें तो इन्होंने निताकत लॉन्च किया था निताकत क्या है सऊदी सौधी, सऊदीजेशन स्कीम विच इंट्रोड्यूस कोटाज इन द वर्क फोर्स इन टू थाउजेंड अलेवन और ओमान ने भी प्रपोज किया था रिडक्शन ऑफ एक्सपैर्ट्स जो प्रवासी होते हैं जो वर्क फोर्स से उनको मतलब यहाँ भेज दिया था वापस अपने अपने देशों में तो ये है क्योंकि ये कंट्रीज़ क्या हैं गल्फ़ कंट्रीज जो हैं ऑयल वूम कंट्रीज हैं मतलब ऑइल पर डिपेंडेंट ये रहती हैं और दे वर वेलकम मेनली बिकॉज दे लोकल पॉपुलेशन लैक द नेसेसरी स्किल्स ठीक है वहाँ पे के लोगों के पास जो है हमारी जितनी स्किल्स नहीं रहती हैं जितने हमारे यहाँ के लोगों के पास रहती हैं और काम करने की उनके पास इच्छा शक्ति भी नहीं होती है टू मीट द नीड्स ऑफ द न्यू इकनॉमी तो यहाँ से लोगों को मतलब उस टाइम पे उन्होंने बुला लिया नाइनटीन सिक्सटी सेवेंटीज़ के टाइम पे लेकिन अब उनके ज़्यादा जा, जो वहाँ पे वो माइनॉरिटी बन के रह गए हैं और उनके जो राइट्स हैं वो छीन रहे हैं उनसे तो अब वो हमारे लोगों को वापस भेज रहे हैं तो अब इससे होता क्या था जैसे केरला है फॉर इंस्टेंस बिल्ट ऑन हिस्टोरिक रिलेशन विद द रीजन टू प्लज इन टू द गल्फनॉमी ठीक है तो हमें रेमिटेंसिज़ बहुत ज़्यादा मिलते थे तो मतलब ये ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपैक्ट वर्कर्स हैं तो इन पर अपनी डिपेंडेंसी uh, को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं कोटाज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लोकल यूथ हैं उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ठीक है तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो था आर्टिकल क्राइसिस ऑफ द फ्यूचर तो ये मिड डे मील स्कीम से ही रिलेटेड है जो सिक्योरिटी कुड इफेक्ट फूड सिक्योरिटी ऑफ मोस्ट वनरेबल देर इज मच टू लर्न फ्रॉम केरला तो यहाँ पे यही बोला गया बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था क्राइसिस मिड डे मील स्कीम और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और पटना कोर्ट ने ये इनिशिएटिव लिया जब न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी उसको फ्लेक्ट किया इट हैज़ इस्यूड अ स्टेट वाइड ऑर्डर टू इंस्योअर डिस्ट्रीब्यूशन फिर तीन महीने के लिए भोजन और ट्रांसफ़र ऑफ मनी मिल गई बैंक अकाउंट्स में और दूसरा ये है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी ये बोला जा रहा है कि जो भी मतलब अंडर कम्युनिटीज़ हैं क्रॉस द कंट्री और जो चिल्ड्रन है तो वो पैंडमिक से मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं और जो स्कूल्स uh, हैं वो बंद हैं और आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं वो भी किस में कोविड सर्विलेंस के वर्क में इंगेज हैं और जो रियल डेंजर है वो क्या है न्यूट्रिशन का डेंजर है ठीक है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और तमिलनाडु जो था पहली ऐसी स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था ठीक है इंट्रोड्यूस नाइनटीन में किसने किया था तमिलनाडु को और सबसे मेन जो ऑफिशियली आई थी इंडिया में वो नाइनटीन में आई थी ठीक है स्कूल चिल्ड्रन बिगेन इन नाइनटीन और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दो में सारे स्टेट्स के लिए ये कुकड मील को मतलब बोल दिया था कि कुक मील बनेगा पहले केवल ड्राई राशन मिलता था और इसमें भी ये बोला कि कुकड मील में भी कैसा होना चाहिए एटलीस्ट थ्री हंड्रेड कैलरीज एंड एट टू ट्वेल्व ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे ऑफ स्कूल फॉर अ मिनिमम टू हंड्रेड डेज इन अ एयर ठीक है तो ये चीज़ बोली गई सिंस दैन अ लार्ज बॉडी ऑफ स्कूल वर्क हैज़ शोन हाउ हॉट कुकड फूड अट्रैक्टेड स्टूडेंट टू स्कूल्स एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशल स्टेटस बच्चे भी आए उनको भोजन भी मिला और न्यूट्रिशन जो स्टेटस था उनका वो भी उनको मिलता गया और सेंट्रलिटी ऑफ द मिड डे मील द फूड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन तो यही चीज़ें अभी बोली गई हैं चिल्ड्रन एज वेल एज लेकिन लेक्टेक्टिंग जो मदर्स होती हैं नर्सिंग मदर्स होती हैं तो वो भी मतलब माल न्यूरिशमेंट का शिकार वो होती हैंटिकुलर इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया तो उनको पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए और पेंडेमिक के दौरान भी केरला ने जो थी ये मिड डे मील स्कीम को ऑपरेशनल रखा हुआ था ठीक है तो ये हमें केरल से इसका एग्जाम्पल सीखना चाहिए यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी को लेके जो डाउट्स हैं उसके बारे में बताया गया है तो हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है हर्ड इम्यूनिटी रेफर्स टू अचुएशन वैन अर्टन परसेंटेज ऑफ पीपल पॉपुलेशन है सर्टेन डिजीज ठीक है जब हम एक कुछ आ, काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है सर्टेन पॉपुलेशन वो इम्यून हो जाती है किसी भी डिजीज के प्रति कॉजिंग पैथोजन दस प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो ये चीज है ठीक है है ये ये मतलब जो यूज़ होता है, इसका वैक्सीनेशन के में एंड टी कैन ऑल्सो बी रीच वन इनफ पीपल हैव बिकम इम्यून आफ्टर बींग इन्फेक्टेड तो जब ये चीज बोला जा रहा है कि जो काफ़ी ज्यादा जो मेम्बर होते हैं जो ग्रुप के वो नो लॉन्गर इन्फेक्ट अनदर पर्सन ठीक है तो वो किसी भी दूसरे पर्सन को इफेक्ट नहीं कर सकते और ये जो है चेन को ब्रेक कर देता है इन्फेक्शन की थ्रू द कम्युनिटी हार्ड एंड प्रिवेंट्स इट फ्राम रीचिंग दोज हु आर द मोस्ट वलनेबल एंड न्यू स्टडी में क्या पाया था है? जो लार्ज स्केल सेरो पैडोमोलॉजिकल जो स्टडी हुई थी इसने बोला था कंक्लूडेड दैट जस्ट फाइव परसेंट ऑफ द स्पेनिश पॉपुलेशन हैज़ डेवलप्ड एंटीबॉडीज रिस्पांस ओ वी टू अब ये क्या है इट इज़ द लार्जेस्ट सेरोलॉजिकल स्टडी कंडक्टेड सो फार इन यूरोप एंड कैप्चर्स द ट्रू नंबर ऑफ कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन ठीक है जो हमें लेबोरेटरी टेस्ट में भी मतलब केसेज जो डाटा नहीं मिलता है तो ये प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर कंट्री ठीक है तो हर एक पूरी कंट्री का मतलब ये डाटा प्रोवाइड करता है ये लार्जेस्ट सैरोलॉजिकल स्टडी हुई थी देन हाउ यू एस वीजा मूव अफेक्ट्स इंडियन स्टूडेंट्स तो यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई हैं कि जो आई सी ई है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी तो इन्होंने अनाउंस किया है जो डिपोर्टेशन है वो होगा जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे इंडिया में वापस आएंगे वेन कैंपस से शट शट कैन नॉट रिटर्न टू द यू एस इफ़ देयर क्लासेज आर एंटायरली ऑनलाइन ठीक है द सेम अप्लाइज टू न्यू स्टूडेंट्स एंड रोल फॉर सेमेस्टर एंड वन थिंग इज़ वेरी क्लियर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट इन ऑनलाइन कोर्सेज मतलब जो भी जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट होंगे तो उनको वीजा नहीं मिलेगा एंड दे आर एक्चुअली गोइंग ऑन कैंपस जब तक कैंपस में नहीं जाते योकेट क्या है योकेट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड तो इनके uh, जो को फाउंडर थे उनका ये कहना था दिस एग्जामेशन डज नॉट अप्लाई टू एफ वन वीजा स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एफ वन वीज़ा स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज वालों को मिलता है एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम वन वीज़ा स्टूडेंट्स हु आर नॉट परमिटेड टू इनरोल इन एनी ऑनलाइन कोर्सेज ठीक है तो इनको इससे एग्जाम किया गया एंड दूसरी चीज ये कि इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यू एस तो सबसे पहले जो है चाइना वाले हैं सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे यूएस में दूसरे नंबर पर इंडियन है ठीक है तो काफ़ी ज्यादा है एक सर्विस था पे तो उसमें ये बताया गया था क्लासेस ऑफर्ड बाय हाइब्रिड तो कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जहां हाइब्रिड क्लासेस हो रही हैं कि इन पर्सन क्लासेस भी हो रही हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से जो पढ़ाई जाती हैं दूसरा ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं ठीक है थीके? तो ये चीज बोला गया नेक्स्ट जो है एविडेंस इज इमर्जिंग ऑफ कोविड नाइन्टीन एयरबोन स्प्रेड तो डब्लू एच ओ का कैसे कहना है कि हवा से भी कोरोना वायरस हो सकता है एंड नाइनटीन कोविड नाइन्टीन रेस्पिरेटरी डिजीज स्प्रेड फ्रामली थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स पहले ये कहा गया था ना कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स से फैलता है जो हमारे नोज से आते हैं एंड माउथ से आते हैं ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन डेट क्विकली सिंक टू द ग्राउंड बट अभी ये बोला गया थर्टी टू कंट्रीज आउटलाइन एविडेंस दे शोज फ्लोटिंग वायरस पार्टिकल्स कैन इन्फेक्ट पीपल हु ब्रेथ द इन ठीक है तो ये चीज़ बोली गई द वायरस इज वाइड स्प्रेड एंड पीपल हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली वेरी वेरी सीरियसली तो ये बोला गया यहाँ पे ये कि गाँव का एग्जाम एक, होता है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है नेशनल कॉलेज के लिए चाइना के ठीक है तो ये दे रहे हैं प्लेग इन जो बोबोनिक प्लेग है चाइना में वेल मैनेज नॉट हाई रिस्क तो ये डब्ल्यू को कहना है कि अभी बोला था ना इनर मंगोलिया में ये स्प्रेड हो रहा है तो बयान बा, नूर की जो लोकल अथॉरिटीज़ है इन चाइनीज रीजन ऑफ इनर मंगोलिया इशूड अ वार्निंग ऑन संडे वन डे आफ्टर हॉस्पिटल रिपोर्टेड अ केस एस्पेक्टेड बोबोनिक प्लेग तो अभी ये बोला है कि नहीं इसके मतलब वैक्सीन भी है और इतना ज़्यादा इसको वहीं पर कंटेन कर लिया जाएगा चाइना में ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है बोल्स नारो तो इनका भी कोविड नाइन्टीन टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये वन ऑफ द मतलब बिल्कुल सेंसिटिव uh, लीडर ये नहीं है पहले से ही नहीं रहे और इन्होंने जितना भी जब से कोविड नाइन्टीन वायरस था तभी से ये uh, क्या क्राउड के बीच में जा रहे थे हैंडशेक कर रहे थे और ये बोला था कि हिस्ट्री as an athlete वुड प्रोटेक्ट हिम from the वायरस एंड दैट इट वुड be नथिंग मोर देन अ लिटिल फ्लू है ना लिटिल फ्लू इसको बोला था और ये बोला था कि सत्तर परसेंट पॉपुलेशन को मतलब जो अगर बीमार हो जाती है तो उसको तो बचाना वैसे भी हम नहीं बचा सकते और बाकी सिक्सटी फाइव थाउजेंड ब्राज़िलियंस है डाइट फ्राम कोविड नाइन्टीन एंड ओवर फिफ्टीन लैक हैव बीन इन्फेक्टेड बोथ नंबर्स आर दी वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट टोटल और वी आर इन थर्ड नंबर है ना वी गुड एक्साइल्स फाइल केस इन आई सी सी अगेंस्ट तो आई सी सी के बारे में देखना

और रोम स्टैट्यूट जो था उसके थ्रू ये बना था ठीक है ये फाउंडिंग ट्रीटी थी रोम स्टैट्यूज एंटर इंटू द फोर्स ऑन जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड टू और ये चार चीज़ों पर फोकस करता है जो चार मतलब क्राइम एरिया होते हैं एक तो प्रोजीक्यूशन ऑफ़ जेनोसाइड जैसे अभी उगुर मुस्लिम है तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था दूसरा वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट एं ह्यूमेनिटी एंड क्राइम अग्रेशन एं एं ठीक है तो ये क्राइम ऑफ अग्रेशन इन सब चीज़ को ये देखता है इनकी जो पावर है कोर्ट मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी दिसम्बली स्टेट्स पार्टीज कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट पार्टीज बाकी जो जुरशन है मैं बता चुकी हूँ वॉर क्राइम जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन ठीक है तो इसके लिए होता है और क्रिटिसिज्म भी इनके बहुत हैं कि मतलब ये जो है बायस रहते हैं वेस्टर्न एम्पेलिज्म का एक टूल है ऐसा ऐसा बोला जाता है इसको बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट अगर कोई भी कल को आके ये बोल दे कि ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि ये क्या है यूनाइटेड इट इज़ नॉट अ यू एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट हैज़ अ कोऑपरेशन अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस ठीक है तो यू शुड नो दैट और यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है आईसीजे तो इसमें आईसीजे वर्सेस आईसीसी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये हुआ था 2002 में आई एंड रिलेशनशिप क्या है ऑफिशियल कोर्ट ऑफ़ द यू ठीक है तो इसको तो बोलते हैं आई को ऑफिशियल कोर्ट ऑफ़ वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है इसको लेकिन ये क्या है आई सी सी इंडिपेंडेंट मे रिसीव केस रेफर फ्रॉम द यू सिक्योरिटी काउंसिल तो यू एन सिक्योरिटी काउंसिल से कैसे जाते हैं दोनों की ही लोकवेशन हेडक्वार्टर uh, जो है कहाँ है हैड नैदरलैंड में टाइप्स ऑफ केसेस ये क्या देखता है आई सी सी आई सी सी आई जे जो कंटिन्यूस बिटवीन पार्टीज एंड कंटेंशन देखता है ठीक है जितने भी एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं जैसे रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं या कोई भी ये क्रिमिनल प्रोजीक्यूशन ऑफ़ इंडिविजुअल देखता है सब्जेक्ट मैटर ये है सॉवरेंटी बाउंड्री मैरिटाइम टाइम डिस्प्यूट एड नेचुरल रेसेस ह्यूमन राइट्स ट्रीटी वायलेशन ट्रीटी इंटरप्रिटेशन मोर अब ये देखता है जेनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमेस्टिक क्राइम ऑफ एग्रेशन वॉर क्राइम्स तो आप ये बताना कि चाइना का जो इंडिया चाइना रिलेशन है या फिर जो बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं वो कौन देखेगा आई देखेगा या आई देखेगा ठीक है फंडिंग जो है यू फंडेड होता है ये और इसमें जो है बहुत सारे लोग फंड करते हैं वॉल्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है फ्राम द यू एन और गवर्नमेंटल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंडिविजुअल कॉपरेशन होते हैं अदर एंटिटीज वहाँ से ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे इजिप्ट फ्रांस जर्मनी जॉर्डन वॉर इसराइल अगेंस्ट एनेक्सेशन ठीक है तो इजिप्ट और फ्रांस इसराइल जर्मनी जॉर्डन ने एक साथ इसराइल को आ, बोला है कि जो फलस्टीनियन टेरिटरी है ठीक है वहाँ पे उसको एनेक्सट नहीं करें क्योंकि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोल दिया था कि आप क्या कर सकते हो वेस्ट बैंक को इज़ अ पार्ट ऑफ अ डील है ना प्रमोट किया था इसने डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन फिर बाद में जो था अभी ऑफिशियली तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आई है तो यहाँ पे बोला गया कि वी कनक्र दैट एनी एनेक्सेपन ऑफ फेलस्टिनियन टेरिटरीज ऑक्यूपाइड इन 1967 वुड बी अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एम्पेयर द फाउंडेशन ऑफ द पीस प्रोसेस तो इस वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एंड वी वुड नॉट रिकग्गनाइज एनी चेंजेस टू नाइनटीन सिक्सटी दैट आर नॉट एग्रीड बाई बोथ पार्टीज इन द कॉन्फ्लिक्ट तो ये लोकेशन है वेस्ट बैंक की ये क्या है एक लैंडलॉक टेरिटरी है जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ पे ठीक है और मेडिटेरियन सी है ये और यहाँ पे इसके ये क्या दिख रहा है सीरिया और यहाँ पे ईस्ट में इसके जॉर्डन और ये इसराइल है ये पूरा और यहाँ पे मतलब क्या हुआ था एक सेवन सिक्स डेज वॉर चला था ठीक है नाइनटीन सिक्सटी सेवन में हुआ था सिक्स डेज वॉर जिसमें क्या था इसराइल ने इजिप्ट का जो ये जो सेनाइन पेनसुला है इसको और गाजा स्ट्रिप को क्या कर लिया था एक्वायर कर लिया था कंट्रोल कर लिया था ठीक है इसके अलावा जो जॉर्डन का वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम पहले जॉर्डन ने इस पर कब्ज़ा किया था वेस्ट बैंक पे ठीक है और ईस्टर्न जेरोसलम जेरोसलम यहाँ पे तो यहाँ पे कब्ज़ा किया था तो फिर जॉर्डन से फिर फिर से इसराइल ने इसको छीन लिया था देन सीरिया में जो ये गोलन हाइट्स है यहाँ पे इसराइल ने लिया था नाइनटीन सिक्सटी सेवन को सिक्स डे वारॉस हुआ था तो यहाँ पे ही ये सब चीज़ें हुई थी ठीक है बाकी वही बस यही है कि ये क्या बाकी जो गोलन हाइट्स ये सब लोकेशन है यू शुड नो दिस लोकेशन और 1978 1981 में जो था यूएस ने काफ़ी अपोज़ किया था इसको ठीक है यूएस का इंस्टेंस अलग था लेकिन अभी जो है अलग है एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हैंस किफ़े हेज़ बिन फ्लडेड ठीक है तो हैंस किफे एक आर्कियोलॉजिकल और एंशेंट साइट थी और यहाँ पे जो ये रेसिप तैयब इर्दोगन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर तो इन्होंने मतलब एक डैम बनाया था ठीक है इसलू करके डैम था वो और ये बोला गया कि इनका मतलब इंक्रीजिंग अथॉरिटेरिज़म की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं और जो भी मतलब ये शिफ्टिंग एटीट्यूड था पहले क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू रेज किया गया था कि यहाँ पे जो है ये नहीं बनाया जाए क्योंकि ये जो आर्क्यपोलॉजिकल साइट है दे इट कैन बी फ्लडेड तो ये ऑलरेडी इट हैज़ बीन फ्लडेड मतलब ये बह गई है इसमें और ये यहाँ पर रिवर है रिवर कौन सी है टिग्रिस ठीक है दजला फर आपने सुना होगा टिगरेस रिवर तो ये वहाँ पे ही है ठीक है बैटमैन प्रोविंस है जो वहाँ का सदर्न टर् साउथ सा, सा, ईस्टर्न टर्की का तो वहाँ पे ये है और 1981 में इसको नेचुरल कंजर्वेशन एरिया भी डिक्लेयर किया गया था तो उसके बाद यहाँ से 80,000 पीपल को डिसप्लेस किया गया था तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज थी देन यहाँ पर उर्जित पटेल की बुक है बुक का नाम है ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ठीक है नाइन आर स्ट्रेटेजी की इसमें बात की गई है ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर और यहाँ पे नमामि गंगे के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो किया है प्रोजेक्ट फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर तो यहाँ पे द वर्ल्ड बैंक इज सपोर्टिंग द नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट विच हेल्प सेटअप द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ठीक है तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है नोडल एजेंसी है टू मैनेज द रिवर एंड फेनेस सीवेज ट्रीटमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो सेवरल रिवर साइड टाउन्स हैं एंड सिटीज़ हैं उनके लिए So thank you. Have a nice day.